कैसे हैं आप सब लोग। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे किचन में बना रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी साबूदाने लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छे पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम इन्हें पानी में भिगोएंगे। इस तरह से हम सूती कपड़ा लेंगे, उसके अंदर इन्हें डाल देंगे अच्छे से। अब हम इसकी एक पोटली बांध देंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हम साबूदाने को पानी के अंदर 20 मिनट तक रखेंगे। इससे ये अच्छे से भीग कर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे साबूदाने को 20 मिनट हो चुके हैं पानी में भीगते हुए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इस तरह से इसे दबा देंगे। इससे इसका पूरा पानी निकल जाएगा और हम 10 मिनट के लिए इसे कहीं पे टांग देंगे, जिससे कि इसके अंदर का पूरा पानी निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे साबूदाने भीग कर तैयार हो चुके हैं। मैंने इन्हें कपड़े से बाहर निकाल लिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये भीग कर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने साबूदाने की खिचड़ी के लिए मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सेंधा नमक, मूंगफली दाने का पाउडर, 3 हरी मिर्च इन्हें मैंने काट लिया है, साबुत जीरा, मूंगफली दाने 1/2 कटोरी, आलू की चिप्स इन्हें मैंने फ्राई कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ का आलू और 1 नींबू। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है और हमारा ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर मूँगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली दानों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मूंगफली दाने हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी तेल में अब मैं आलू फ्राई करूंगी। आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारा जो बचा हुआ तेल है, अब मैं उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी। हमने जो हरी मिर्च काटी थी वो अब इसमें 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और हमने जो साबूदाने भिगो के रखे थे वो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी और जो हमने मूंगफली दाने फ्राई किए थे वो आलू, इन्हें भी मैंने पहले फ्राई करके निकाल लिया था। वन फोर्थ स्पून मिर्ची पाउडर और हमने जो मूंगफली दाने का जो पाउडर बना के रखा था वो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। ढक्कन लगाकर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। हमारी खिचड़ी पककर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें सेंधा नमक डालेंगे और जो हमारा मूंगफली पाउडर बचा था वो भी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर खिचड़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। और एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके खिचड़ी को सर्व करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी साबुदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।